राजस्थान की मंगोड़ी की सब्जी एक बार इस तरह से बना के देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाएंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक बोल मंगोड़ी की लिया। ये मूंग की दाल की मंगोड़ी है, इसे बहुत से लोग बड़ी भी बोलते हैं और ये मसाले वाली है। इसमें सब मसाले डले हुए हैं तो अच्छी चटपटी सब्जी बनेगी। अब हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इसमें ये मंगोड़ी डाल देंगे। इधर से इस कपड़े से इसको थोड़ा फोल्ड कर देंगे और जो ये मंगोड़ी ली है इसको हम थोड़ा कूट लेंगे इस तरह से, जिससे थोड़े इसके टुकड़े हो जाएं। बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है हमें, थोड़े ही टुकड़े करने हैं। इस तरह से हमने मंगोड़ी को तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 4 छोटी चम्मच मैंने घी डाला है, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा भुन गया है तो अब डाल देंगे इसमें ये मंगोड़ी। मंगोड़ी को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। पर जब भी आप मंगोड़ी की सब्जी बनाएं तो पहले इसको हल्का सा भून के ही बनाएं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में थोड़ा सा अदरक कटा हुआ और इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आ जाता है। इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, एक बार हम सब्जी को चेक कर लेंगे। एक मंगोड़ी लेंगे, हम इसको तोड़ के देखेंगे इस तरह से, तो ये टूट रही है, मतलब कि ये पक गई है। अब मैंने ये एक बोल दही लिया है, इसको मैंने चम्मच से अच्छे से फेंट लिया है। अब मंगोड़ी पक गई है तो अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे। साथ में हम एक हाथ से इसे चलाते जाएंगे जिससे हमारा दही फटे नहीं। जब तक दही में उबाल ही नहीं आ जाए हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें उबाली आ गई है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था। अब हम इसे छोड़ सकते हैं और आधा एक मिनट थोड़ा और उबलने देंगे इसे, जिससे ये अच्छे से पक जाए। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप मसाला कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में डालेंगे धनिया पत्ती। तो तैयार है हमारी स्वादिष्ट सब्जी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कक्कू की किचन को सब्सक्राइब करें।